तो अस्सलाम वालेकुम गाइस और वेलकम बैक टू मिकायलास ब्लॉग। आज मिकायला एक नया व्लॉग आपके साथ लेकर आई है और एक एक्साइटिंग सी चीज़ आपके साथ शेयर करना चाह रही है। तो हम मिकायला की तरफ चल के पूछते हैं कि क्या स्टोरी शेयर करेगी। मिकायला, आज गाइस को कौन सी स्टोरी बताने लगी हो? अस्सलाम वालेकुम गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिकायला व्लॉग। आज मैं आपको स्कैरी स्टोरी सुनाने वाली हूँ। आप देख के आप डर जाएंगे, सुन के आप बहुत डर जाएंगे। चलिए तो गाइस अब हम सुनते हैं मिकायला से स्टोरी के वो कौन सी स्कैरी स्टोरी है जो मिकायला हमें सुनाना चाह रही है। तो बैक टू मिकायला। मिकायला हाँ चलो सुनाते हैं। चलेगा पहले हम स्टोरी में सुनते हैं। एक लड़की थी जो अपनी मम्मा पापा की बिल्कुल बात नहीं सुनती थी, तो किसी की भी बात नहीं सुनती। तो एक दिन ना वो चली जाती इधर से। कहाँ से चली गई वो? वो ना अपने घर से चली गई कहीं बाहर। तो इससे लिए ना तो फिर उसको ना वो तो फिर नाइट हो गई। तो फिर ना उसको ना यहाँ पर कोई मॉन्स्टर वॉन्स्टर आ जाए, उसको आ गया तो फिर उसको पकड़ के वो खा लिया। तो गाइस आपने ये देखा, ये कितनी स्कैरी स्टोरी मिकायला ने बताई है। गाइस आप बाहर कभी अकेले नहीं जाया करें, मम्मा पापा से पूछ के जाया करें और परमिशन लेके जाएं। वेरी गुड। और गाइस मिकायला ने इतनी अच्छी बात बताई है कि कभी भी आप अकेले बाहर ना जाएं, हमेशा अपने मम्मी पापा की परमिशन लें और बाहर जाएं। क्योंकि जैसे स्कैरी स्टोरी मिकायला ने बताई है कि बच्ची विदाउट परमिशन बाहर गई और मम्मा पापा को नहीं बताया क्योंकि वो अपने मम्मा पापा की बात नहीं सुनती थी, तो उसको मॉन्स्टर ने खा लिया। क्योंकि जिसके साथ गलत होता मॉन्स्टर उसको ही आता है। हाँ, तो इसीलिए ये है कि आप विदाउट परमिशन कहीं ना जाएं, अदरवाइज मॉन्स्टर आ जाएगा। और मॉन्स्टर तो गाइज ये स्टोरी आप लोगों ने सुनी और इससे बहुत अच्छा आप लोगों को भी लेसन सीखने के लिए मिला और ये बहुत स्कैरी थी। तो अब हम आप हमारे साथ जो है ये स्टोरी मिकायला यहाँ पर ही एंड कर रही है। और गाइस और आपको बहुत है हॉरर स्टोरी लगी होगी ना, आप वीडियो देखते होंगे। तब तक के लिए बाय, शेयर, सब्सक्राइब। और नाइट हो गई और 3 बज गए, तो गाइस अब आप मिकायला का चैनल लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ना भूलना। तब तक के लिए बाय। और मिलते हैं आपसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।